बेटमा नगर में आज से 18 प्लस के युवाओं के लिए शुरू हुए कोविड वैक्सीनेशन को लेकर नगर के युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। कतारबद्ध होकर युवक युवतियों और महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेटमा में सुबह 10 बजे से शुरू हुए वैक्सीनेशन के लिए 1 घंटे में ही 100 टोकन खत्म हो गए। बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं में से कई को तो बिना रजिस्ट्रेशन के ही जाना पड़ा। बेटमा नगर के साथ ही काली बिल्लौद, बेटवाड़ा, माचल, कलारिया और धन्नड़ में भी 18 से 44 वर्ष तक का टीकाकरण शुरू हुआ। इस अवसर पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। जल्दबाजी ना करें, आराम से टीकाकरण कराएं। यह लंबे समय तक चलने वाला अभियान है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज बेटमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 18 से 44 वर्ष का के लोगों का कोविड का टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है, जो कि बेटमा हाई सेकेंडरी स्कूल, काली बिल्लौद एवं मेठवाड़ा सब सेंटर पंचायत भवन में चल रहा है। आज 18 प्लस चूँकि शुरू हुआ है, लेकिन लोगों ने इसमें काफ़ी भारी उत्साह देखा गया, काफ़ी भीड़ भी रही है और काफ़ी लोग टीकाकरण के लिए आ भी रहे हैं। और मेरा कहना है कि सब लोगों को आना ही है टीका लगाना है, लेकिन थोड़ा सा पैनिक भी नहीं होना, जल्दी भी नहीं मचाना है। थोड़े से 2-4 दिन में सब थोड़ा सा सेटल हो जाएगा और अपना नंबर आने तक भी इंतज़ार भी करें और ज़रूर लगवाएं भी से टीकाकरण। टीकाकरण ही एकमात्र ऐसी चीज़ है कि जिससे अपन कोरोना से लड़ सकते हैं और बच सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में वैक्सीन लगाया जा रहा है, वह पूरी तरीके से सेफ है। आप भी जाइए और वैक्सीन लगवाइए। गेट वैक्सीनेटेड, स्टे सेफ। थैंक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।